दोस्तों नमस्कार। इस समय विराट कोहली खूब चर्चा का विषय है और उनके शॉट्स को लेकर तमाम तरह की टीका टिप्पणियां की जा रही हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। और अब जो है मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और मौजूदा समय में कमेंटेटर की भूमिका में वो हैं और उन्होंने कहा है कि जो चिप शॉट हैं वो उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के खेले हैं। वन बाउंस पर उनको जिस तरह से पिछले मुकाबले में वार्नर ने जो है फर्स्ट बाउंस पर उनको उनको रोका था गेंद को और पिछले ओवर में वो बाल बाल बचे थे और उसके बाद वो फिर ऐसा ही शॉट खेलने के लिए गए तो उनका शॉट सिलेक्शन पर उनको खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर शॉट सिलेक्शन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो विराट कोहली की सारी मेहनत पर पानी पड़ता जाएगा और आगे वो पुराने विराट के तौर पर दिखाई नहीं देंगे और ना ही वो बड़ी पारियां खेल पाएंगे। और उनका कहना है कि यदि आपको छक्का लगाना है तो पूरा कमिट होकर खेलना पड़ेगा, पूरी ताकत से शॉट लगाने पड़ेंगे, आधे मन से अगर आप शॉट लगाते हैं तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जब गेंद जो है सॉफ्ट हो जाती है तो आप फील्डर्स के बीच में से गेंद को अगर आप निकालते हैं या बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो वो भी कई बार बहुत कारगर साबित नहीं होता। तो ऐसे शॉट के लिए पावर लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, तभी आप इस तरह के शॉट्स लगा सकते हैं। और 54 रन बनाए थे विराट कोहली ने, एस्टर नेगर की गेंद पर वो आउट हुए और वार्नर ने जो है उनका कैच पकड़ा था और यहीं से मैच जो है पलट गया था। और कैफ ने कहा कि विराट के शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत संतोषजनक नहीं है और उनको बहुत निराशा हुई इस तरह के शॉट्स देखकर, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्दी ही सबसे रिकवर कर लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच 21 रन से जीतने में कामयाब रहा था और सीरीज 2-1 से उसने अपने नाम कर ली थी। तो इस तरह से भारत जो है 49.1 ओवर में 248 रन ही बना पाया था और मुकाबला 21 रन से हार गया। आप क्या सोचते हैं कि क्या विराट कोहली के जो बढ़ते हुए कदमों पर जो लगाम लग रही है वो उनके शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से ही लग रही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।